Hello everyone, I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Trending Isles. My today's cue card is describe a person who solved a problem in a smart way. If a person ko describe a problem quick smart way mein, uh, jo solve hai. and the bullet points for this cue card are who this person is, conserve a person. Hai? वट द प्रॉब्लम वॉज कौन सी प्रॉब्लम थी हो ही और शी सॉल्व इट कैसे उस पर्सन ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक ही और शी डिड इट इन अ स्मार्ट वे और एक्सप्लेन करो क्यों आपको लगा कि उस पर्सन ने प्रॉब्लम को एक स्मार्ट वे में सॉल्व किया था the sample answer for this cue card is i am an extrovert person and have a lot of friends my extrovert person or my friends although all my friends are smart and intelligent chahimere friends who are smart or intelligent. but one of my friends named jab always think out of the box think out of the box is an idiom which means diff think differently and from आ न्यू प्रस्पेक्टिव एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंटली सोचता है वो मेरे सभी फ्रेंड्स जो है वो इंटेलिजेंट है मगर एक मेरा फ्रेंड जो है जाप वो हमेशा ही आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोचता है एज आई एम नॉट अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर जैसे मैं गुड प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ बट हर प्रेजेंस ऑफ माइंड हैव हेल्प मी इन नंबर ऑफ टफ़ सिचुएशन मगर उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ने मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है टफ सिचुएशंस में शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम स्कूल डेज वो मेरी फ्रेंड है स्कूल डेज से ड्यू टू हर नावर डेज आई नील फील नर्वस इन एनी प्रॉब्लम उसकी वजह से आजकल जो है मैं किसी भी प्रॉब्लम में नर्वस फील नहीं करता हूँ बिकॉज शी ऑलवेज स्टैंड्स विद मी थ्रोथिक एंड थिन थ्रोथिक के एंडीन इज अगेन एंड एडियो विच मीन्सो डिफ्र डिफिकल्ट टाइम्स उसकी वजह से मैं कभी भी नर्वस फील नहीं करता क्योंकि वो मेरे मेरे साथ हमेशा ही करती है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स में और डिफ़िकल्ट टाइम्स में वी हैव गिवन द आंसर ऑफ द फर्स्ट बुलेट पॉइंट एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द आंसर ऑफ द सेकेंड बुलेट पॉइंट वट द प्रॉब्लम वॉज कौन सी प्रॉब्लम थी पहले हमने पर्सन बता दिया कौन है और अब हम मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअली टू इयर्स अगो एक्चुअल में दो साल पहले देर वॉज द मैरिज ऑफ़ माई एल्डर ब्रदर मेरे एल्डर ब्रदर की मैरिज थी एंड आई अबाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू वेयर और मैंने अपने पहनने के लिए काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी आई वॉज सो एक्साइटेड बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द डे ऑफ मैरिज वाइल डूइंग सम वर्क माई ड्रेस गॉट स्टक विद टेबल एंड गॉट टॉन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मगर क्या हो गया कि उस दिन पर मैरिज में जब मैं काम कर रहा था तो मेरी ड्रेस जो स्टक हो गई और फट गई आई वॉज सो पैनिक मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गया बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू हीयर दैट ड्रेस ऑन मैरिज क्योंकि मैं वही ड्रेस पहनना चाहता था मैरिज पर आई स्टार्टड फीलिंग डाउन इन द डर्म्स डाउन इन द डर्म्स इज़ एन इई डिम विच मींस फीलिंग वेरी सैड मैंने काफ़ी सैड फील करना स्टार्ट कर दिया एंड वॉज अबाउट टू क्राइम दैट माई फ्रेंड वी स्ट देर और अभी बस रोने ही वाला था कि मेरी फ्रेंड वहाँ पर आ गई बट द प्रॉब्लम वॉज हमने सॉल्व कर दिया थर्ड बुलेट पॉइंट इज हाउ शी सॉल्व द प्रॉब्लम मैन आई डिस्कस्ड द इशू शी मेड माई फन फॉर गेटिंग नर्वस ऑन सच सिली थिंग उसने मेरे जब मैंने प्रॉब्लम उसके साथ डिस्कस की तो उसने मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया कि मैं इतनी सिली थिंग पर नर्वस हो गया शी टू का थ्रेड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स शी मेड द बटरफ्लाइज एंड माई ड्रेस एंड सेट इट उसने नीडल रेड के साथ और इन दोनों थिंग्स की हेल्प के साथ बटरफ्लाइज बना दी मेरी ड्रेस पर उसको और उसको सेट कर दिया शी नॉट ओनली सेव्ड मी फ्रॉम एम्बेरसमेंट बट ऑल्सो इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द ड्रेस उसने ना तो मुझको एम्बेरसमेंट से सेव किया बट इसके साथ साथ ड्रेस की ब्यूटी भी बढ़ा दी And the fourth bullet point is why you think the person solved the problem in a smart way? She solved it in the smart way because to see my dress, everyone at my home started thinking what to do. क्योंकि उसने प्रॉब्लम स्मार्ट में, में सॉल्व की क्योंकि जब हर एक पर्सन ने मेरे घर पर मेरी ड्रेस देखी तो सभी सोचने लग गए कि क्या किया जाए अब बट शी वॉज द ओनली पर्सन हु मेड माई डे बाई सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन एन एक्सेप्शनल वे मगर वही एक पर्सन थी जिसने मेरा दिन बना दिया उस दिन प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक डिफरेंट वे में एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर स्मार्ट वर्क सभी उसके स्मार्ट वर्क से इम्प्रेस हो गए ऑल इन ऑल लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ शी इज अ पर्सन वही एक पर्सन है हु सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ स्मार्ट वे वो जो प्रॉब्लम्स को स्मार्ट वे में सॉल्व करती है सैम्पल आंसर इज कम्प्लीट नाउ नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द फॉलो अप क्वेश्चन ऑफ़ दिस क्यू कार्ड एंड द फर्स्ट वन इज डू यू थिंक चिल्ड्रेन आर बॉर्न स्मार्ट और डू दे लर्न टू बिकम स्मार्ट क्या आप सोचते हो कि बच्चे जो है वो बॉर्न स्मार्ट ही होते हैं मगर जहाँ फिर जो है वो सीख जाते हैं कि कैसे स्मार्ट बनना है एंड द आंसर इज नाउ वट इज़ सम समिल्ड्रेन हैव इन एट स्मार्ट इन नमार्टस मीन्स वो बॉर्नली स्मार्ट होते हैं वेर आर सम्रेन बिकम स्मार्ट विद हार्ड वर्क इसके अलावा कब कुछ बच्चे हार्ड वर्क के साथ teachers, और विद द गाइडेंस ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर्स की गाइडेंस और पेरेंट्स के साथ स्मार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन इज हाउ डू चिल्ड्रेन बिकम स्मार्ट एट स्कूल बच्चे स्कूल में स्मार्ट कैसे बनते हैं एंड आंसर इज चिल्ड्रन बिकम स्मार्ट एट स्कूल बाय डूइंग स्टडी रेगुलरली एंड पार्टिसिपेटिंग इन आर करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे स्मार्ट बनते हैं स्टडी रेगुलरली करके पार्टिसिपेट करके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में टीचर्स एंड पीयर्स आल्सो हेल्प दम टू बिकम स्मार्ट टीचर्स और उनके कंपेनियंस भी उनकी हेल्प करते हैं स्मार्ट बनने में एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वाई आर सम पीपल वेल राउंडेड एंड अदर्स ओनली गुड एट वन थिंग क्यों कुछ लोग जो है वेल राउंडेड होते हैं और बाकी जो होते हैं सिर्फ एक ही चीज़ पर अच्छे होते हैं And the answer is वन सम पीपल आर वेल राउंडेड बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट नॉलेज अबाउट ईच एंड क्योंकि वो नॉलेज लेना चाहते हैं हर एक चीज के बारे में वेराज इसके अलावा सम पीपल इंगेज दम सेल्व इन ओनली वन थिंग कई लोग अपने आप को जस्ट एक थिंग में इंगेज करते हैं एंड बिकम द मास्टर ऑफ दैट थिंग और उस चीज़ के मास्टर बन जाते हैं एंड द फॉलो अप क्वेश्चन आर ऑल्सो कम्प्लीट आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू